हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने फ़ोन में फिंगर पैटर्न कैसे ऐड करेंगे। तो फ्रेंड, बहुत ही सिंपल सिंपल इजी इजी स्टेप बताएंगे, आपको देखना है और फॉलो करना। वीडियो की पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर फ्रेंड आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये फ्रेंड आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा फ़ोन में, सेटिंग को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद में आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा फोन में, सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको स्क्रीन लॉक, फिंगर लॉक, फेस लॉक, स्मार्ट लॉक, तो आपको फिंगर लॉक पे क्लिक कर लेना। यहाँ से आपको पैटर्न सेलेक्ट कर लेना और नेक्स्ट कर देना। यहाँ से आपको स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको अपने फोन में फिंगर लगाना है, तो यहाँ से अपने फोन में फिंगर लगाएंगे, रिमूव करेंगे। इसके बाद आपको अपने फोन में काफ़ी अच्छे से फिंगर ऐड कर लेना। यहाँ से लगाएंगे और रिमूव करेंगे, जब तक कि ब्लू लाइन का गोला पूरा नहीं हुआ। तो इस प्रकार अपने फोन में फिंगर लगाएंगे और रिमूव करेंगे। देखिए फ्रेंड, इस प्रकार हमारे फोन में फिंगर जो है काफ़ी अच्छे से ऐड हो चुका है। आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा डन का, आपको डन पे क्लिक कर देना। तो इस प्रकार आपने फोन में फिंगर प्रिंट ऐड करेंगे। जैसे कि आपको फिंगर प्रिंट बाई चांस चेंज करना चाहते हैं तो ऐड फिंगर से चेंज कर लेंगे, और आपको यूज़ नहीं करना है रिमूव करना चाहते हैं तो बन फिंगर प्रिंट से रिमूव भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपने फोन में फिंगर पैटर्न ऐड करेंगे। आई होप अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो गाइस, तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।